Hello, students. Hope you all are doing good. So, myself, Professor Dipali Jain. So, welcome to the lecture number two of your subject ADA, that is Analysis Design and Algorithms. And Unit one is already running. So, let's see the today's topic uh, outline. The topics to be covered in lecture number two of Unit one. So, topic three is you're already running, and I have completed the part. Uh, basically, there are three parts of uh, topic three. Uh, mathematics for algorithmic sets the name of the topic 3 so it is divided into 3 parts in topic 1 uh, part 1 you have learned representation of sets by 3 methods as listing methods describing properties recursion methods all these methods are done in the previous lecture right so today i will discuss the another 2 part of unit uh, topic 3 as uh, topic 2 uh, some definitions of uh, sets like subset empty set null string power set and equal set right after that i will discuss the part 3 of topic 3 as operations on set cartesian products of two sets cardinality of sets sequence and tuple so let's see the topic uh, uh, 3 part 2 some definitions of set uh, first one is the subset द सबसेट एज़ कॉल्ड ऑफ सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रजेंट इन सेट बी बट रिवर्स इज नॉट ट्रू मीन्स कि अगर सबसेट uh, जो है ए वो बी का सबसेट तभी ही होगा जब उसके सारे के सारे एलिमेंट जो हैं सेट ए के वो बी में प्रजेंट हो बट इसका रिवर्स जो है वो पॉसिबल नहीं है मीन्स बी जो है वो ए का सबसेट नहीं हो सकता है राइट right? तो मैंने आपको पहले ही बोला है मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ यहाँ पर सारे तो आपको भी हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं लाइक मी तो लेट सी द डेफिनेशन अगेन सबसेट सबसेट क्या होता है कि जैसे आप सबसेट uh, ए जो है वो बी का सबसेट तभी होगा सेट बी का जब बी बी uh, के अंदर ए के सारे के सारे एलिमेंट्स जो है प्रेजेंट हो तो फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल से ये डेफिनेशन समझ में आएगी एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल ए जो सेट है इसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3. और मैंने कल आपको बताया था सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते, करते हैं एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं बाय द कॉमास एंड एलिमेंट्स जो है वो आते हैं आपके ओपनिंग करली ब्रेसेस और क्लोजिंग करली ब्रेसेस के बीच में राइट right? बी यहाँ पर जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट है वन कोमा टू कोमा थ्री कोमा फोर कोमा फाइव तो आप यहाँ पर देख रहे हो ए के जो सेट के सारे एलिमेंट्स है वो बी के अंदर प्रेजेंट है इसीलिए हम ए को बी का क्या बोलेंगे सबसेट बोलेंगे तो उसको डिनोट कैसे करते हैं मैथेमेटिकली इज द सबसेट ऑफ बी तो दिस सिंबल इज नोन एज द सबसेट राइट सो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी क्यों है क्योंकि ए के सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो बी के अंदर क्या है प्रेजेंट है तो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी तो इसका आंसर क्या बनेगा जब हम हम इसका आंसर लिखते हैं ए सबसेट ऑफ बी का तो इसका आंसर बनेगा जो कॉमन एलिमेंट है वो इसके अंदर प्रेजेंट हो जाएंगे लाइक वन कॉमा टू कॉमा थ्री सो लेट्स मूव टू द सेकेंड डेफिनेशन सेकंडिनेशन इज एम टी सेट द सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इन इट इट इज कॉल्ड एम टी सेट यू नो द मीनिंग ऑफ एम टी क्या होता है मीन्स खाली कि उसके अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है तो अगर एक सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है ओनली आपका क्या लगा हुआ है ओपनिंग ब्रेसेस और करली क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस राइट तो उसको हम क्या बोलते हैं एम टी सेट राइट और उसको हम कैसे लिखते हैं फाइव इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो ब्रैकेट में मैंने लिखा है यहाँ पर फाइव तो इसको हम फाइव प्रोनाउंस करते हैं राइट तो डिनोटेड बाय इन दिस वे और इट कैन बी रिटर्न एज फाइव इन दिस वे ओके सो दिस इज द सेकंड डेफिनेशन आई कंप्लीटेड टू डेफिनेशन टिल नाउ फर्स्ट वन इज द सबसेट एंड सेकेंड वन इज द एम सेट राइट लेट सी दर्ड डेफिनेशन नल स्ट्रिंग द नल एलिमेंट्स इज डिनोटेड बाय अपसलाइन और दिस इन दिस वे कैरेक्टर राइट सो नल एलिमेंट्स मीन्स नो वैल्यूज और कैरेक्टर तो उसमें कोई भी वैल्यू नहीं होती कोई भी कैरेक्टर ना वन टू थ्री फोर होगा ना आपके अल्फाबेट्स होंगे ए कोमा बी कोमा सी तो उसको हम बोलते हैं नल स्ट्रिंग फोर्थ डेफिनेशन इज द पावर सेट द पावर सेट इज ए सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ इट्स एलिमेंट्स पावर सेट क्या होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको ए है उसका पावर सेट बनाना है राइट right? तो पहले मैं आपको जो इसका फॉर्मूला है वो बताती हूँ ताकि आपको पावर सेट लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको इसकी डेफिनेशन अच्छे से एक्सप्लेन होगी ए एक के अंदर कितने एलिमेंट्स है थ्री तो हमेशा उसके पावर सेट कितने बनेंगे टू रेस्ट टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे टू रेस्ट टू द पावर एन क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओरिजिनल सेट तो यहाँ पर एक के एलिमेंट्स कितने थ्री है तो टू रेस्ट टू द पावर थ्री तो कितना आएगा आपका एट तो टोटल कितने नंबर ऑफ पावर सेट बनेंगे एट बनेंगे सो नाउ लेट सी द आंसर ऑफ ए ए के कितने पावर सेट बनेंगे खुद एक वन फिर टू फिर थ्री थ्री सेपरेट सेपरेट एलिमेंट्स देन वन का टू के साथ में वन uh, का थ्री के साथ में डन देन टू का थ्री के साथ में और थ्री का टू के साथ में राइट और एक खुद जो होगा कॉमन वो खुद भी क्या होगा पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन पावर सेट होगा तो लेट्स काउंट क्या अपन इसका आंसर लिख सकते हैं पावर सेट के अंदर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो टोटल आपको कितने पावर सेट मिल रहे हैं एट मिल रहे हैं राइट तो कोई भी अब आपको डेफिनेशन जो है नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द डेफिनेशन बाय दिस एग्जाम्पल द पावर सेट इज ए सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ इट्स एलिमेंट्स तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उस सेट के उसके क्या बनेंगे सबसेट्स बनेंगे और सबके साथ में कनेक्टिविटी आएगी राइट right? सो so, ये आपका एग्जाम्पल है आफ्टर दैट यू कैन राइट जो आपको मैंने अंडरस्टैंड करने के लिए पहले समझाया वो अब आप आपको यहां पर लिखना है नोट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल टू द टू रेस्ट टू द पावर एन और वेयर एन इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओरिजिनल सेट ओके सो यहाँ पर आपके कितने ओरिजिनल सेट के अंदर एलिमेंट्स थे थ्री तो टू रेस्ट टू द पावर थ्री तो यहाँ पर कितने टोटल नंबर ऑफ कितने पावर सेट बने एट बने राइट right? तो ये यह यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि सेट ए हैज थ्री एलिमेंट्स एंड देयर इन पावर सेट क्यू इक्वल टू टू रेस्ट टू द पावर थ्री दैट इज एट एलिमेंट्स ओके नाउ लेट्स सी द फिफ्थ डेफिनेशन एज इक्वल सेट द टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल ए इज इक्वल टू बी इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए दोनों एक दूसरे क्या है सबसेट है सबसेट का मीनिंग क्या है ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है और बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर प्रेजेंट है राइट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए फॉर एग्जाम्पल ए के भी एलिमेंट्स क्या है वन टू थ्री और बी के भी वन टू थ्री तो दोनों के एलिमेंट्स सेम है और दोनों के अंदर प्रेजेंट है इसलिए वी कैंड से ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए देन ए इक्वल टू क्या होगा बी होगा यानी दोनों सेट क्या होंगे इक्वल होंगे राइट right? तो इट इज डिनोट्स द लेंथ ऑफ ए जो मोड ए है वो क्या डिनोट करता है आपका लेंथ ऑफ द सेट ए को डिपेंड डिनोट uh, करता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने सेट ए के तीन हैं राइट right? तो मोड ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में जैसे फॉर एक्जाम्पल ए के अंदर पांच एलिमेंट है वन टू थ्री फोर फाइव तो यहाँ पे मोड ऑफ़ ए की वैल्यू क्या आएगी फाइव दिस इज द लेंथ ऑफ द सेट अगर आपको कोई बोलता है कि आपके पास में इस तरीके से क्वेश्चन रिटर्न आता है कि ए इक्वल टू वन कोमा टू कोमा थ्री कोमा फोर कोमा फाइव है फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड ऑफ ए तो कैसे फाइंड करोगे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू द लेंथ ऑफ द सेट तो सेट uh, की जो लेंथ होती है वो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स के क्या होती है इक्वल होती है राइट right? तो यहाँ पर जो आपका सेकेंड नंबर का जो पार्ट था जो भी मैंने आपको बोला सम डेफिनेशंस वाला राइट सबसेट एम्प्टी सेट नल स्ट्रिंग पावर सेट इक्वल सेट तो ये डेफिनेशंस जो होती है वो इस टॉपिक की क्या होती है कम्प्लीट होती है लेट्स वी मूव टू द थर्ड पार्ट ऑफ द टॉपिक थ्री कौन सा है टॉपिक टॉपिक्स ऑन द सेट तो अब अब आप आप सीखोगे नंबर ऑफ ऑपरेशन जो परफॉर्म होते हैं सेट के ऊपर फॉर एग्जाम्पल कार्टिशन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स है कार्डिनिलिटी ऑफ सेट्स है सीक्वेंस है एंड टपल है सो लेट्स सी द थर्ड टॉपिक एंड थर्ड पार्ट ऑफ द टॉपिक सम टॉपिक्स ऑन सेट्स लेट सी फर्स्ट ऑपरेशन ऑन सेट फोर ऑपरेशन यू कैन परफॉर्म फर्स्ट वन इज़ यूनियन तो यूनियन किस तरीके से लिखते हैं आप ऑलरेडी मैथ्स के अंदर जो है आपका सेमेस्टर फोर्थ थे उसके अंदर स्टडी कर, uh, कर चुके हो सेट थियरी पूरा एक यूनिट का नेम था राइट तो यूनियन कैसे लिखते हैं ए यूनियन बी ए यूनियन बी इज़ ए यूनियन ऑपरेशन इफ ए इक्वल टू वन टू थ्री है थ्री एलिमेंट्स और बी के भी क्या है वन टू फोर दो सेट आपके पास में प्रेजेंट है राइट right? यहाँ पर ए प्रेजेंट है और बी प्रेजेंट है देन ए यूनियन बी अगर आपको निकालना है तो आप सारे एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन जो है वो इसके अंदर लिख दोगे राइट तो सारे के सारे एलिमेंट्स जो है इसके आंसर में प्रेजेंट हो जाएंगे तो ए यूनियन बी कैसे फाइंड करोगे उसमें ए के सारे एलिमेंट वन टू थ्री कोई भी रिपीट पे नहीं लिख सकते तो बी में भी सेम वन प्रेजेंट है टू प्रेजेंट है तो वो नहीं आएगा खाली जो रिमेनिंग है फोर वो इसके अंदर प्रेजेंट हो जाएगा दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द सेट्स तो दोनों सेट्स के कॉम्बिनेशन एलिमेंट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो इसके अंदर क्या होता है प्रेजेंट होता है ओके okay? So let's move to the another operation that is intersection intersection a intersection b intersection is just opposite to of the union right a intersection b is intersection operation if a one two three a सेकेंड सेट आपके पास में टू थ्री फोर है तो इन दोनों के बीच में जो एलिमेंट कॉमन आते हैं वो दोनों के दोनों उसका इंटरसेक्शन बनेगा दैट इज द कलेक्शन ऑफ कॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ द सेट तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आएगा एस टू इसमें प्रेजेंट है इसमें भी प्रेजेंट है थ्री इसमें प्रेजेंट है प्लस इसमें भी इस सेट के अंदर प्रेजेंट है सो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आएगा टू कॉमा थ्री सो ए इंटरसेक्शन बी मीन्स आप जब भी इंटरसेक्शन निकालते हैं टू सेट्स का तो देट इज़ द कलेक्शन ऑफ कॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ द सेट लेट सी द थर्ड ऑपरेशन डिफरेंस ऑपरेशन दैट इज ए माइनस बी राइट कि सेट ए है आपके पास में सेट बी है उसका आपको डिफरेंस का ऑपरेशन जो है परफॉर्म करना है राइट तो इफ ए इज द सेट आपको टू सेट गिवन है ए सेट के एलिमेंट है वन कोमा टू कोमा थ्री बी सेट के एलिमेंट से टू कोमा थ्री कोमा फोर राइट तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो जो कॉमन है वो क्या हो जाएंगे हट जाएंगे और जो कॉमन नहीं है दोनों सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है इक्वली कॉमन तो वो इसका आंसर बनेगा तो देन ए माइनस बी का आंसर क्या बनेगा वन क्यों क्योंकि टू और थ्री दोनों इसके अंदर प्रेजेंट है एलिमेंट विच आर देयर इन सेट है बट नॉट इन सेट बी तो जो ए के अंदर है बट बी के अंदर नहीं है तो इसका आंसर क्या बनेगा ए माइनस बी ओके जो ए के अंदर है बट नॉट इन सेट बी ओके okay, ऐसा नहीं कि यहाँ पर फोर लिखा है तो फोर यहाँ पर वन कोमा फोर आएगा नहीं आई एम रिपीटिंग अगेन कि यहाँ पर ए इक्वल टू वन कोमा टू कोमा थ्री है टू कोमा थ्री कोमा फोर है तो टू और थ्री जो है ए के एलिमेंट्स वो बी में प्रेजेंट है बट कौन सा ए का एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है वन प्रेजेंट नहीं है तो वो इसका आंसर बनेगा डिफरेंस ऑपरेशन के अंदर यही यहाँ पर थियरी के अंदर राइट किया हुआ है आई एम रिपीटिंग अगेन दैट इज एलिमेंट्स विच आर देयर इन सेट ए जो एलिमेंट सेट ए के अंदर है बट नॉट इन सेट बी जो सेट बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है ओके सो लेट सी द नेक्स्ट ऑपरेशन कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट हाउ वी कैन फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ए बार इज ए कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन इफ ए बार इक्वल टू यूनियन माइनस ए वेर यू इज ए यूनिवर्सल सेट तो आपको एक यूनिवर्सल सेट गिवन होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दो सेट है यू ए और ए यू इज द यूनिवर्सल सेट तो द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट आर टेन कोमा ट्वेंटी कोमा थर्टी कोमा फोर्टी कोमा फिफ्टी राइट और ए के सेट के एलिमेंट है टेन कोमा ट्वेंटी तो आप यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स को लेस करोगे तो यहाँ पे टेन और ट्वेंटी कॉमन था वो क्या हो जाएगा कट हो जाएगा रिमेनिंग एलिमेंट्स के थर्टी फोर्टी फिफ्टी तो ए बार का आंसर क्या होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए इक्वल टू थर्टी कोमा फोर्टी कोमा फिफ्टी दैट इज द आंसर ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट तो कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से फाइंड करते ए बार राइट सो लेट सी द नेक्स्ट ऑपरेशन तो आपने जो फर्स्ट अभी मुझसे सीखा था राइट ऑपरेशन ऑन सेट तो चार ऑपरेशन परफॉर्म होते यानी कि ये जो टॉपिक आप मुझसे पढ़ चुके हो अभी ऑपरेशन ऑन सेट इसके भी क्या है फोर ऑपरेशंस थे एक यूनियन था एक इंटरसेक्शन था एक कॉम्प्लीमेंट था और एक डिफरेंस था तो आपने अभी खाली इसी टॉपिक को क्या किया है कवर किया है लेट्स सी द ऑपरेशन ऑन द सेट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स सो अब हम बीस बी पार्ट के ऊपर जो है मूव करते हैं कार्टीशन प्रोडक्ट ओके हाँ द कार्टिशन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हुज फर्स्ट कंपोनेंट इज मेंबर ऑफ ए एंड हुज सेकेंड कंपोनेंट इज मेंबर ऑफ बी तो ये जो लाइन लिखी है वो आपको एग्जाम्पल से अभी समझ में आएगा द कार्टिशन प्रोडक्ट वी कैन से द मल्टीप्लीकेशन राइट कि ए कार्टिशन प्रोडक्ट प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन तो ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे आप इसको इसको हम इस तरीके से राइट डाउन करते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहले आप एग्जाम्पल समझो फिर आपको ये लाइन भी समझ में आएगी एज वेल एज आपको मैंने पहले जो ये फोर लाइन्स एक्सप्लेन की है वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी लेट वी हैव टू सेट्स राइट ए है आपके पास में ए कोमा बी कैपिटल बी आपके पास सेट जो इसके अंदर एलिमेंटेड टू कोमा जीरो कोमा वन कोमा टू देन द कार्टिशन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कैसे लिखोगे आप ए क्रॉस बी तो ए कॉमा ज़ीरो यानी ए इंटू ज़ीरो कॉमा फिर ए को किससे मल्टीप्लाई करोगे बी के सेकेंड एलिमेंट के साथ में फिर ए को किससे मल्टीप्लाई करोगे बी के सेकेंड नंबर के एलिमेंट्स के साथ में यानी कि ए के फर्स्ट एलिमेंट का प्रोडक्ट होगा किसके साथ में बी के सारे एलिमेंट्स के साथ में वन बाय वन तो अभी हमने क्या किया ए इंटू ज़ीरो ए इंटू वन ए इंटू टू राइट वैसे ही बी के, के साथ बी के साथ में भी उसमें बी के सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ में क्या होगा प्रोडक्ट होगा सो बी इंटू जीरो बी इंटू वन बी इंटू टू तो आप इस तरीके से कार्टिशन प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करते हो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द लाइन्स राइट द कार्टिशन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हुज फर्स्ट कंपोनेंट इज मेम्बर ऑफ ए जिसका पहला कंपोनेंट क्या होता है ए का मेंबर और दूसरा कंपोनेंट किसका होता है बी का मेंबर तो अभी मैंने एग्जांपल में आपको यही समझाया कि आप पहला कंपोनेंट जो हमेशा लिखा है वो किसका है ए का मेंबर राइट बी भी किसका है ए का मेंबर सेट ए का और सेकेंड एलिमेंट जो हमेशा आपका आएगा कौन सा होगा सेट बी के मेंबर्स के आएगा राइट right? तो इस तरीके से हम क्या फाइंड करते हैं कार्टिशन प्रोडक्ट राइट सो थर्ड नंबर का जो आपका है वो है कार्डीनिलिटी ऑफ सेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं द कार्डिनेटिलिटी ऑफ द सेट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेट उसके अंदर जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट है सेट के अंदर वो क्या होती है आपकी कार्डीनलिटी लेट्स एग्जाम्पल किस तरीके से बनाते हैं तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से क्या करेंगे टू सेट्स के बिलोंग करेंगे ये यूनिक इमेज है कार्डिनिलिटी ऑफ टू सेट्स की दी सेट्स ए वन एंड एन टू हैव द सेम कार्डीनलिटी एज देर इज वन टू वन मैपिंग ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए वन एंड ए टू तो यहाँ पर ए वन सेट है और आपके पास में ए टू सेट है राइट right? तो so, सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे कार्डिनेट करेंगे राइट right? तो द डिफरेंट कार्डिनलिटीज ऑफ सेट कैन बी किस तरीके की होती है ये फोर टाइप्स की होती है वन इज़ टू वन हो सकती है वन इज़ टू मैनी यानी एक ए के सारे एक एलिमेंट जो है वो किसके साथ में बी के साथ कनेक्टेड हो मैनी इज टू वन मतलब ए वन सेट के सारे एलिमेंट्स जो है वो बी के किसी एक एलिमेंट के साथ में क्या हो कोऑर्डिनेट कर रहे हो मैनी टू मैनी सारे के सारे एक दूसरे से क्या कर रहे हो कोऑर्डिनेट कर रहे हो राइट right? तो यहाँ पर जो है आपका कार्डिनेटी जो है सेट का वो डन होता है नेक्स्ट है आपका सीक्वेंस द सीक्वेंस मींस ऑर्डरिंग ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट इन सम स्पेसिफिक मैनर तो फॉर एग्जाम्पल हम कोई ऑर्डर में इसको लिखते हैं अभी आप यहाँ पर देखो आपको भी समझ में आएगा कि इसमें ऑर्डर कैसा बना हुआ है इवन नंबर का ऑर्ड बना हुआ है तो इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस जीरो जीरो के बाद में टू है टू के बाद नेक्स्ट वन इज फोर सिक्स एट टू फोर सिक्स एट दैट मीन्स ऑल आर ईवन नंबर्स अगर मैं इसका एक और एग्जाम्पल देना चाहूँ तो यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ जीरो वन थ्री फाइव सेवन राइट तो इट इज ए सिक्वेंस विच डिनोट नंबर्स दैट विल बी दीक्वेंस विच डी द ओड नंबर्स राइट फिफ्थ वन इज द टपल एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एन एलिमेंट्स इज कॉल्ड द टपल एग्जाम्पल टेन कॉमा ट्वेंटी तो टू टपल ऑफ पेयर्स हैं टेन कॉमा ट्वेंटी कॉमा थर्टी तो यहाँ पे थ्री टपल ऑफ पेयर्स हैं तो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उतने टाइप का एन एलिमेंट टपल जो होता है पेयर का कोल्ड होता है तो एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड द टपल सो so, यहाँ पर आपका जो टॉपिक थ्री है उसके जो सब टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं अगेन uh, हम गो थ्रू करते हैं आज के लेक्चर से जो आपने स्टडी किया एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इस यूनिट का जो वेटेज है वो सिर्फ टू परसेंट है राइट right? तो इसमें से कोई क्वेश्चन आए तो मीन्स शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर या शॉर्ट डेफिनेशन के अंदर ही आएगा मीन्स नॉट इन द सेवन मार्क्स क्वेश्चन इट विल कम इन थ्री मार्क्स ओके इफ इट इज काउंटेड इन द पेपर देन द टॉपिक विल कम इन थ्री मार्क्स सो so, आज आपने जो टॉपिक स्टडी किए फर्स्ट यू स्टडी द डेफिनेशंस सबसेट एम टी सेट न लिस्टिंग पावर सेट और इक्वल सेट राइट और थर्ड जो आपने स्टडी किया वो पढ़े थे ऑपरेशन सोन सेट इसके अंदर आपने मुझसे चार ऑपरेशन स्टडी किए यूनियन सेक्शन इंटरसेक्शन डिफरेंस राइट और uh, आपका ए बार ओके फिर आपने बी में जो स्टडी किया कार्टिशन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स विक कार्डिलिटी ऑफ सेट्स सीक्वेंस एंड लेट्स मूव टू द स्लाइड्स आपको मैं एक बार गो थ्रू करा देती हूँ सबसेट और उसकी डेफिनेशन नेक्स्ट आपने स्टडी किया एम सेट सेकेंड डेफिनेशन थर्ड वन इज द नलिस्टिंग फोर्थ वन इज द पावर सेट फिफ्थ वन इज द इक्वल सेट एंड सम टॉपिक्स ऑन सेट यू स्टडी कि इसके अंदर फाइव टॉपिक्स आपने मुझसे स्टडी किए सो ऑपरेशंस ऑन सेट में फर्स्ट था यूनियन सेकेंड इंटरसेक्शन थर्ड इज डिफ्रेंस फोर्थ इज कॉम्प्लीमेंट राइट और यहाँ पर कार्टिशन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स उसका एग्जैम्पल कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स वो आपने कंटिन्यू किया और उसको हम किस तरीके से कार्डिनलिटी कर सकते हैं हम फोर्थ तरीके से कर सकते हैं वन इज़ टू वन वन इज़ टू मैनी मैनी इज़ टू वन और मैनी इज टू मैनी सो आई होप अंडरस्टैंड यू अंडरस्टैंड द लेक्चर स्टूडेंट्स वेरी वेल ओके इन द नेक्स्ट टॉपिक आई विल कंटिन्यू द टॉपिक नंबर फोर राइट नाउ आपके यहाँ तक अब तीन टॉपिक जो है यूनिट वन के कम्प्लीट हो चुके हैं ओके okay, कौन कौन से टॉपिक जो है कंप्लीट हो गए हैं फर्स्ट आपका था एल्गोरिथम की डेफिनेशन उसकी प्रॉपर्टीज सेकंड था डिज़ाइनिंग ऑफ एन एल्गोरिथम और थर्ड जो टॉपिक था उसका ये सेक्शन आज पहले कंप्लीट हो चुका है प्रीवियस लेक्चर वन में और आज लेक्चर टू में हमने और जो है डेफिनेशन और शॉर्ट क्वेश्चन के टॉपिक जो है वो कम्प्लीट किए हैं राइट सो थैंक यू स्टूडेंट्स